चंपावत में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां कोरोना के 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी उन्हें कई घंटों तक आइसोलेट नहीं किया गया है। ये लोग क्वारंटीन गए लोगों के साथ ही रह रहे थे, जिससे क्वारंटीन सेंटर में रखे गए लोगों में आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया है, प्रदर्शन भी किया है। दरअसल जवाहर नवोदय क्वारंटीन सेंटर में मुंबई से लौटे 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इस सेंटर में करीब 117 लोगों को रखा गया था, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कई घंटों तक ये लोग क्वारंटीन सेंटर में ही रखे गए थे। कई बार अपील कर चुके हैं हम लोग, कई बार फ़ोन भी किया है, वो लोग खाली फ़ोन में इंफॉर्मेशन पूछ ले रहे हैं कि मतलब कैसे हो क्या हो, इंक्वायरी भी फ़ोन में ही कर ले रहे हैं। यहाँ जो पॉजिटिव पाए गए थे वो लोग कहाँ हैं अभी? वो भी सर हमारे साथ में रहते हैं, अगल बगल में ही रह रहे हैं, पॉजिटिव आने के बाद भी यहाँ पर कोई उनको जिला प्रशासन ने क्या अभी तक आइसोलेट नहीं किया? कुछ नहीं किया सर, यहाँ कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, कोई आ ही नहीं रहा, क्योंकि फ़ोन करने के बावजूद भी हमारी कोई यहाँ पे नहीं है। कल रिपोर्ट आई है, उसमें बॉम्बे से जो लोग आए हैं उनके रिपोर्ट आए हैं, उसमें 15 लोग पॉजिटिव हैं, लेकिन उनके अंदर कोई ILI का सिम्टम्स नहीं है। उनको हम लोग जो है आइसोलेट कर रहे हैं और उनके साथ जो लोग हैं उनका जो है सैंपल जो है भेजा जाएगा टेस्ट के लिए।